गाइस तो हम दोनों यार ये एक कबाड़ा सी कार लेके आए हैं। ये कार भाई हमने यार सच में जंक यार्ड से उठाई है और हम लोग सोच रहे हैं ना एकदम सस्ते में इसे हमने लिया है और अब हम लोग इसे बनवाते हैं, देखते हैं भाई ये कितनी अपग्रेड हो सकती है। और मस्त यार अपग्रेड हो जाएगी तो हम लोग इसे रख भी लेंगे। तो चलो गाइस यहाँ से अंदर चले एंड यार इससे बोलते हैं फटाफट इसे ना एकदम बना के चमका दे। हाँ तो भाई जरा सुनो यार, इस कार को ना एकदम मस्त अपग्रेड दे दो। तो वैसे अभी तो मैंने इसे कबाड़ा से खरीदा है, लेकिन इसे ऐसा बना दो कि एकदम नई जैसे लगे। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी बनाता हूँ। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, ये कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। अरे बिल्कुल सिंचन यार, ये क्या मस्त लगने लगी यार। ये तो लग ही नहीं रही है कि हम लोग भाई जंक यार्ड से उठाए थे। भाई देख रहे हो एकदम भाई इसने चेंज ही कर दिया इस कार को। अंदर का इंटीरियर आप लोग देखो, सबसे बढ़िया तो इंटीरियर है गाइस। फ्रैंकलिन भैया ये तो मेरा फेवरेट कलर है येलो। बिल्कुल भाई मेरा भी एकदम फेवरेट कलर है येलो। एंड गाइस ये देख सकते हो, मतलब हमने कबाड़ा से लेके इस कार को ऐसा अपग्रेड कर दिया कि कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे जंक यार्ड से उठाया है। तो चलो गाइस अब इसे ना फटाफट घर पे लेके चले। चलो इसी बहाने हमारे पास एक मस्त नई नई कार आ चुकी है, तो चलो अब इसे जल्दी से हम लोग घर पे लेके चलते हैं, रखते हैं अपने गराज के अंदर एकदम मस्त सजा के। भाई एक बार सामने से लुक देखो, सही में भाई इसे कोई नहीं कह सकता कि ये जंक यार्ड से आई हुई है। चलो इसे फटाफट घर पे ले चले और चॉप को भी दिखाते हैं यार, वो भी पता नहीं क्या कर रहा होगा। बस गाइस दिक्कत ये लग रहा है ना कि इसमें जो व्हील्स हैं जैसे नीचे देखो कितने थोड़े से दिखाई दे रहे हैं और बहुत नीचे है, मतलब यार एकदम जमीन से टच कर जाएगी अगर थोड़ा भी ऊबर खाबर रास्ता होगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, आखिरकार हमें इतना इसे ड्राइव भी करना नहीं है, हम लोग इससे ज्यादा पहाड़ों पे जाएंगे नहीं। हाँ फ्रैंकी भैया, हम लोग इससे बस आसपास घूमने के लिए चलेंगे। बिल्कुल भाई वही सही रहेगा। एंड ये क्या निकला यार साइड साइड में दो यार सींख जैसे, पता नहीं फ्रैंकी भैया वो क्या है। भाई चारों टायर्स के आसपास है। चलो यार जो भी होगा हम लोग इसे जल्दी से ले चलते हैं। और पीछे भाई ये जो नंबर प्लेट है ना, इस पे भी यार अपना नाम लिखवाना है, मस्त वहाँ पे लिखवाएंगे हम लोग फ्रैंकलिन या सिंचन सुपर कार। लेकिन फ्रैंकलिन भैया ये तो सुपर कार है भी नहीं। भाई हाँ यार सुपर कार तो नहीं कह सकते यार, क्योंकि इतना इसका स्पीड नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग कुछ और लिखवा लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसे खड़ी करते हैं अपने गराज के अंदर। पहुंच चुके अपने घर पे। इसका तो यार इंटीरियर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं यार बाहर का छोड़ के इंटीरियर ही देखता रहूं इसका। हाँ फ्रैंक भैया इंटीरियर तो इसका बहुत अच्छा है। तो आओ सिंचन चलते हैं यार, आओ जरा चॉप से भी मिले एंड उसे भी बुला के दिखाते हैं। चॉप यार चलो अपनी कार देख लो। नहीं रंकित भैया कार छोड़ो, ये देखो यहाँ पे ये क्या है। भाई ये क्या है यार यहाँ पे, यार ये जो पूरा हमारा पूल था हॉट वाटर वाला, ये कौन ढक दिया है पूरा। रंकित भैया पता नहीं, मैं तो सो रहा था तभी ये सब हुआ। अबे भाई तुम सो क्यों रहे थे यार, तुम्हें देखना चाहिए था ना। एंड गाइस ये यार गराज का डोर जैसा लग रहा है, ये जो यार ब्राउन कलर का है ना, ये कोई गराज का डोर है मेरे ख्याल से। हाँ फ्रैंकी भैया गराज का ही डोर है ये। तो भाई इसे कैसे ओपन किया जाए, रुको भाई इस पे हम लोग ना स्टिकी बॉम्ब दो चार लगाते हैं, देखे गाइस खुल जाएगा क्या, या फिर गन चला के देखें। रंगीत भैया एक बार बॉम्ब लगा के देखो, खुल जाएगा एक ही बार में। अच्छा ठीक है भाई चलो बॉम्ब लगाते हैं। अबे ये कहाँ पे लग गया, आ जाओ चॉप तुम इधर आ जाओ, नहीं तो भाई तुम्हारे पे फट जाएगा। तुम लोग जल्दी से इधर आ जाओ, सिंचन आ जाओ इधर। हाँ फ्रैंकी भैया आ रहा हूँ मैं। चलो गाइस तो ये देख सकते हो हम तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। तो फ्रैंकी भैया अब देर किस बात की, जल्दी से ब्लास्ट कर दो। हाँ भाई रुको अब ब्लास्ट करते हैं इसे। एंड यहाँ पे भाई चारों ब्लास्ट हमने कर दिया, लेकिन यार इस दरवाजे पे कुछ यार रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तुम देख सकते हो गाइस ये एकदम पहले जैसा अभी भी उसी तरीके से बंद है। फ्रैंकी भैया कहीं ये कुछ वो पेपर वाला चैलेंज वाला दरवाजा तो नहीं है। कौन सा पेपर चैलेंज वाला यार। फ्रैंकी भैया जिसमें एक पेपर रहता है, फिर उसमें चैलेंज लिखा होता है, टास्क लिखा होता है, कंप्लीट करने पे ये खुल जाता है। अच्छा हाँ यार हो सकता है। सिंचन तो आओ यार खोजे यार, कहीं तो होगा यार पेपर वगैरह। यार सही में यार ये सही कह रहा है सिंचन। हाँ फ्रैंकी भैया ये पेपर वाला ही चैलेंज होगा। बिल्कुल भाई आओ ढूंढे यही कहीं। वैसे फ्रैंकलिन भैया उसके पास ढूंढना चाहिए हमें। हाँ भाई इसके पास हो सकता है, सही कह रहे हो यार। एक बार इस हम लोग अपने सीढ़ियों के नीचे देख लें। नहीं यार यहाँ पे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। जॉब के केनल में नहीं फ्रैंकलिन भैया, इसके अंदर भी नहीं है। हाँ तो भाई कहाँ है यार फिर, यहाँ गमले के पीछे। नहीं फ्रैंकलिन भैया वहाँ भी कहीं नहीं है। अबे भाई तो ढूंढो ना तुम। अच्छा एक मिनट ये देखो गाइस यार, ये जो बारबेक्यू वाला अपना है इसके नीचे पेपर रखा हुआ है। यार ऐसा कैसे छुपा के ये लोग रखते हैं, मतलब जिसने भी ये बनाया है ऐसे छुपा के रखा हुआ है। चलो इसे निकाले बाहर। तो यहाँ सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है टास्क टू ओपन सीक्रेट गराज। भाई इसका मतलब ये कोई सीक्रेट गराज है। एंड यहाँ पहला टास्क है विन द रेस एट एयरपोर्ट विद मिलिट्री टैंक। भाई सिंचन ये कैसा है यार, एयरपोर्ट पे हमें जाना है कोई मिलिट्री टैंक से रेस जीतना है,
फ्रैंकलिन भैया मिलिट्री टैंक हमें ड्राइव करना है ना? हाँ भाई मिलिट्री टैंक हमें ड्राइव करना होगा, लेकिन ये रेस कैसा है यार? और टैंक से कौन सा रेस होगा यार? मतलब एक हो सकता है मिलिट्री वाली टैंक होगी, एक हो सकता है कोई कहीं और की टैंक होगी। हाँ तो चलो फ्रैंकलिन भैया हम लोग जीत जाएंगे उस रेस को। लेकिन एक मिनट यार, मैं इस गाड़ी से क्यों चल रहा हूँ? हम लोग अपनी नई वाली गाड़ी से चलते हैं। हाँ और क्या फ्रैंकलिन भैया, हम लोग पुरानी वाली कार से क्यों चलेंगे? बिल्कुल भाई, आओ बैठो चलते हैं इस वाली मस्त अपनी नई नई कार से। वैसे गाइस रेस देखते हैं यार जीत पाएंगे या नहीं। भाई मिलिट्री टैंक से रेस जीतना मतलब बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा है मुझे यार। अगर कोई यार नॉर्मल सी भी कार होगी ना तो वो टैंक को तो हरा ही देगी, क्योंकि भाई टैंक बहुत ज्यादा धीरे चलती है। हम लोग को भाई किसी भी तरह जीतना तो पड़ेगा अगर ये सीक्रेट गैराज डोर हमें ओपन करना है। तो चलो भाई अपनी कार को हम लोग जल्दी से एयरपोर्ट पे लेके चलें, देखें भाई वहाँ पे कैसा रेस होने वाला है। वैसे ये देख सकते हो ना, अगर इसका भी रेस लगाया जाए ना टैंक से तो ये भी टैंक से जीत जाएगी, हालांकि ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है फिर भी। हाँ तो फ्रैंकी भैया फिर हम लोग क्या करेंगे? भाई कुछ करना पड़ेगा यार, जुगाड़ हो सकता है यार। अगर बूस्टर वगैरह उसमें लगा हो तब तो हमारा काम बन सकता है, वरना भाई कुछ उसमें करवाना पड़ेगा। जैसे कि यार कोई हम लोग उसमें बूस्टर लगा दें तो भाई हो सकता है वो टैंक और ज्यादा तेज चलने लगेगी और तब हम लोग जीत सकते हैं। चलो गाइस तो आ चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट पे, अब यहाँ से जल्दी से अंदर चलते हैं। एंड एक बात है यार, अब ये कार हमारे पास है ना तो इसके नीचे से मेरे ख्याल से आराम से पार कर जाएगी बिना टच किए। नहीं फ्रैंकी भैया टच तो अभी भी कर रही है। हाँ भाई टच तो कर गई लेकिन इसे तोड़ा नहीं हमने। वो क्या यार रुकवा रहा है क्या हमें? फ्रैंकलिन भैया चलो अंदर, उसकी बात कौन सुनता है। हाँ यार छोड़ो, हमेशा खोलता नहीं यार दरवाजा, हम उसकी बात क्यों ही सुने। अब यहाँ पे खोजते हैं गाइस कहाँ पे रेस हमारा होने वाला है। फ्रैंकलिन भैया वहाँ देखो स्टार्टिंग पॉइंट एक दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ यार स्टार्ट एंड फिनिश तो दिख रहा है, शायद इससे रेस होने वाला है क्या? हेलो भाई ये रेस तुम्ही से लगाना है क्या? हाँ हाँ मुझे ही रेस लगाना है, तुम फ्रैंकलिन हो? हाँ बिल्कुल मैं फ्रैंकलिन हूँ यार। हाँ तो जाओ जल्दी से टैंक लेके आओ। भाई टैंक लेके आऊँ? अब भाई टैंक भी मुझे लेके आना होगा? हाँ और क्या, तभी तो रेस लगेगा। अच्छा ठीक है यार, लेकिन एक बार इसकी कार देखो सिंचन, ये तो यार काफी खतरनाक सुपर कार लग रही है। अब भाई ये कैसे हम लोग जीत पाएंगे इससे? फ्रैंकलिन भैया हमें कुछ खतरनाक से करना पड़ेगा तभी हम लोग जीत पाएंगे। हाँ वही ना यार, इतना इजी नहीं रहेगा यार इसे हराना। भाई टैंक सच में बहुत ज्यादा स्लो चलती है, एक बार मैं बताऊँ आपको कैसे चलती है टैंक। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से ऐसे चलती है धीरे धीरे इतनी। अब भाई इतने धीरे में बताओ गाइस, इतने धीरे में कोई यार हरा सकता है उसे? नहीं फ्रैंकलिन भैया कभी भी नहीं हरा पाएंगे हम लोग फिर तो। अबे भाई तो कुछ जुगाड़ सोचते हैं। एक मिनट यार, सबसे पहले ना अपनी कार को मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, हम लोग बाद में भी जाके ले लेंगे। और यहाँ से ये जो व्हाइट वाली कार है ना इसे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना पड़ेगा मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस में जाके इस कार को हमें छोड़ना पड़ेगा। आओ सिंचन बैठो जल्दी से इस व्हाइट वाले में, थोड़ा ये लॉक पड़ी हुई थी लेकिन गाइस हमने इसे निकाल लिया है। एंड इसमें भाई ओपन वाला है, मतलब ऊपर से रूफ हटा सकते हैं हम लोग इसका। चलो भाई खोलो जल्दी से। एंड ये देख सकते हो गाइस ऊपर का ये रूफ खोलने लगा था लेकिन हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है इसलिए रुक गया। रुको गाइस अब ओपन कर लें इसे अच्छे से। एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरा कन्वर्ट हो चुकी है, अब हम लोग इसे लेके चलते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया तेजी से भागो मिलिट्री बेस की तरफ। बिल्कुल भाई, एंड इस कार का भी स्पीड अच्छा है यार देख सकते हो। गाइस तो आ चुके हैं मिलिट्री बेस में, एक बार यहाँ मेन गेट पे देखें कोई दिखाई दे रहा है। फ्रैंकलिन भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है, घुस जाओ अंदर। हाँ भाई घुस जाते हैं, और गेट भी देखो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। बे भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्या बात है यार, छुट्टी है क्या आज इन लोगों का यहाँ पे? फ्रैंकलिन भैया बस टैंक ढूंढो आप। हाँ भाई यहाँ देखो सामने से एक टैंक आ रही है, रुको इसी का लूटते हैं। ए रुको 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 जल्दी से। बे भाई हम लोग एकदम यार इसके कैनन के सामने हैं। फ्रैंकलिन भैया जल्दी बैठो नहीं तो ये चलाने लगेगा। हाँ भाई रुको, निकाले फटाफट इसे बाहर इससे पहले कि कोई आए। इसे ना यहीं पे मार के बेहोश करते हैं सबसे पहले। फ्रैंकलिन भैया जल्दी मारो नहीं तो ये किसी को बुला लेगा। देखो भाई गन निकालने लगा था यार। चलो गाइस हमने इसे बेहोश कर दिया है एंड हमें किसी ने देखा भी नहीं। चलो सिंचन बैठो जल्दी से, चलते हैं हम लोग फटाफट। गाइस तो सिंचन इसमें बैठ चुका और अब हम लोग निकलते हैं। टैंक है हमारे पास, हमें तो भाई कोई अब हरा भी नहीं पाएगा। यहाँ गाइस देख सकते हो ऊपर वो जो प्लेन है, यहाँ पे अगर हम लोग इससे भी पंगा लें तो हमें कुछ नहीं हो सकता। इस पे चलाएं क्या एक बार, मजा आ रहा है इस पे फाइट करने में। एंड यहाँ पे भाई सूट कर दिया हमने उसे। अभी क्या हो गया यार, ये क्यों नहीं कुछ हो रहा है इसे, इतनी मजबूत होती है क्या यार ये सब? फ्रैंकलिन भैया आपने गिरा दिया उसे नीचे। अब भाई जल्दी निकलते हैं यार इससे पहले कि ये मिलिट्री वाले हमारे पीछे पड़ जाए। चलो गाइस हम लोग यहाँ से इस टैंक को निकाल लिए हैं एंड थोड़ा तेज तो चल रही है यार, हरा सकते हैं क्या सिंचन हम लोग?
रंगीत भैया ट्राई करो चल के, क्या पता हरा दे। हाँ भाई एक बार चल के ट्राई करते हैं यार, ट्राई करने में क्या जाता है, अगर गाइस एक बार में नहीं हरा पाए तो फिर से ट्राई करेंगे। हाँ फ्रेंकी भैया और क्या, चलो जल्दी से एयरपोर्ट पे एक बार ट्राई करते हैं। चलो गाइस तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ ये रेसिंग वाले पॉइंट पे, यही हमारा रेस होने वाला है। आ जाओ भाई, आओ मैं रेस लगाने को तैयार हूँ तुम्हारे से, जल्दी से शुरू हो जाओ, बैठो अपनी कार में, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूँ। हाँ तो तुम रेडी हो रेस लगाने को? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ यार बिल्कुल अच्छे से, चलो आओ स्टार्ट करो। तो चलो फिर 3, 2, 1 ठीक है भाई चलो निकलते हैं। एंड गाइस ये तो निकल गया यार आगे हमसे, रंगीत भैया वो तो बहुत ज्यादा दूर निकल चुका है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ बूस्टर्स वगैरह लगवाना पड़ेगा, ये तो जीत गया यार, ये तो तुरंत जीत गया। हाँ रंगीत भैया ये तो यार एकदम तुरंत से ही जीत गया भाई, तो अब क्या करें रंगीत भैया, चलो इसमें अब बूस्टर लगाते हैं। हाँ भाई चलो बूस्टर लगवा के आते हैं, यार तुम जाओ वहीं स्टार्टिंग पॉइंट में, मैं आता हूँ अभी तुरंत। ठीक है फ्रैंकलिन जल्दी आना। हाँ भाई जल्दी आता हूँ यार, इसमें बस बूस्टर लगवा के तभी तो यार हरा पाएंगे तुम्हें हम लोग। ठीक है फ्रैंकलिन जल्दी आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। चलो गाइस तो निकले हम लोग फटाफट अब लॉस सेंटोस कस्टम्स, इसमें देखें भाई कैसा बूस्टर्स लग सकता है। चलो गाइस आ चुके हैं हम लोग यहाँ लॉस सेंटोस कस्टम्स पे, इसे यहीं लगाते हैं क्योंकि ये टैंक अंदर जा नहीं पाएगी, अब उसे बुला के लाते हैं जल्दी से और इसका काम करवाते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी उसे बाहर बुला के लाओ। हाँ तो देखो भाई इस टैंक को ना एकदम एक सुपर टैंक बना दो, ऐसा बना दो ना भाई कि हम लोग किसी सुपर कार को भी हरा दें। फ्रैंकलिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? भाई बनाओ यार, मुझे पता है तुम बना सकते हो, प्लीज भाई इसे जल्दी से रेडी कर दो। तो अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन रुको मैं कोशिश करता हूँ कुछ। सिंजन बाहर निकल जाओ यार ये बना रहा है। ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं आ गया बाहर। हाँ तो ठीक है भाई तुम बाहर आ चुके हो और यहाँ आप लोग देख लो गाइस ये काम कुछ कर रहा है। भाई प्लीज यार बस ये रेडी कर दे हमारी इस नॉर्मल सी टैंक को एक खतरनाक सी टैंक बना दे, हम रेस उससे जीत जाए और फिर भाई हम लोग उस गैराज को देखेंगे खोल के कि आखिर उसके अंदर क्या है। फ्रैंकलिन भैया उसके अंदर खतरनाक खतरनाक कार्स होंगी और क्या। हाँ भाई कार्स तो होंगी यार, ये तो बात तुम सही कह रहे हो, वहाँ कार्स होंगी मस्त मस्त। चलो गाइस फटाफट ये काम करवाएं उसके बाद आपसे मिलते हैं हम लोग। बन गया दोस्त जाओ देख लो चला के। भाई बना दिए तुम? हाँ हाँ देखो चला के एक बार कैसी चल रही है। चलो गाइस टेस्ट करते हैं यार एक बार। ये है गाइस अपना टेस्टिंग, अब यही पता चलेगा कि ये टैंक बनी है एक सुपर टैंक या नहीं। चलो सिंचन थोड़ा साइड हो जाओ यार, मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ। और ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन भैया, क्या हो गया? अबे भाई बहुत ज्यादा तेज चल रही है ये तो। फिर तो फ्रैंकलिन भैया हम लोग रेस जीत जाएंगे ना उसे। बिल्कुल भाई आओ बैठो जल्दी से, निकले हम लोग फटाफट। चलो गाइस तो यहाँ सिंचन इस पे बैठ चुका है पर भाई ये इतनी ज्यादा तेज चलने लगी कि अब हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब भाई कोई भी सामने गाड़ी आएगी हम लोग तो उसे उड़ाते हुए निकल जाएंगे यार। जैसे ये देखो, ये देख सकते हो गाइस कितनी ज्यादा तेज चल रही है फ्रैंकलिन भैया। वैसे हम लोग रेस अब जीत जाएंगे मेरे ख्याल से, चाहे जो भी हो जाए। हाँ भाई वो तो है यार, चाहे जैसी भी कार रहे हम लोग अब रेस जीतेंगे ही जीतेंगे किसी भी कीमत पे। तो ठीक है फ्रैंकलिन भैया चलो जल्दी से पहुंचो एयरपोर्ट पे। चलो गाइस तो वापस से हम लोग आ चुके हैं अपनी खतरनाक सी टैंक को लेकर के, अब देखते हैं भाई हम लोग रेस कैसे हारते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं अपनी टैंक को। आ जाओ भाई अब रेस के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ तुम्हें हराने के लिए भी। चलो ठीक है यार आओ देख लेते हैं। ठीक है भाई तो स्टार्ट करो। चलो गाइस तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और भाई अब देखो अब तो तुम्हें कितना पीछे मैंने छोड़ लिया है। एंड यहाँ पे गाइस फिनिश लाइन भी हम लोग क्रॉस कर गए, बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। ठीक है फ्रैंकलिन ठीक है तुम जीत गए रेस। चलो गाइस तो अब हम लोग निकलते हैं यार, टैंक से हमने हरा दिया इसे। हालांकि हम लोग यार सामने एकदम नहीं निकले भाई, सामने भी निकलना है तो भी आ जाओ यार, हम लोग सामने निकल जाएंगे। अरे नहीं नहीं यार तुमने पास कर दिया। चलो ठीक है भाई पास कर दिया फिर तो यार सही है, मतलब भाई अपना नया टास्क वहाँ पे आ चुका होगा। अब चलते हैं जल्दी से घर पे अपनी। यहाँ पे सबसे पहले मैं कार उठाऊँ, ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी कार रखी थी। आओ सिंचन फटाफट कार में बैठो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया आ रहा हूँ मैं। चलो गाइस तो चलते हैं अब इस वाली कार में, इस कार से निकलते हैं जल्दी से अपने घर पे। वैसे कुछ भी कहो गाइस अपनी कार तो मस्त है भाई, अपनी कार का यार कोई टक्कर नहीं है। अब इसे हम लोग फटाफट घर लेके चले, देखे भाई अगला टास्क यहाँ पे क्या मिलता है। चलो आ जा सिंचन यहीं पे रहने देते हैं यार, अभी फिर से चलना ही होगा। फ्रैंकलिन भैया क्या पता घर पे कोई टास्क करने वाला हो जाए। हाँ भाई वैसे हो सकता है यार कहीं जाना ना पड़े, लेकिन आओ चेक करें यार इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट। एंड ये क्या है यार, सेकंड टास्क लिखा हुआ है ड्राइव अ बोट ऑन लैंड। यार सिंचन हम लोग लैंड पे कैसे ड्राइव कर सकते हैं यार किसी बोट को,
हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये तो काफी मुश्किल सा टास्क लग रहा है। भाई एक मिनट यार, अगर हम लोग ऐसा कर दें किसी बोट में पहिए लगवा दें तो गाइस काम बन सकता है, लेकिन यार पहिए लगवा के फिर उसमें इंजन लगवाना होगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा यार। फ्रैंकलिन भैया चलो सबसे पहले एक बोट हम लोग लेके आए। हाँ भाई बोट लेते हैं, उसे देखते हैं यार कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं लैंड पे। भाई बोट तो यार अक्सर पानी में ही चलती है यार, क्या अजीबो गरीब टास्क है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। एक था टास्क जो ट्रेस लगाना था भाई एक टैंक को लेकर के, मतलब आज का टास्क ना थोड़ा उल्टा पुल्टा है, जैसे स्लो चल रहा है तो उसे फास्ट कर दो, कोई पानी में चल रहा है तो उसे लैंड पे चलाओ। अब देखो भाई तीसरा टास्क क्या होता है, पता चला भाई कोई हवा में उड़ रहा है तो उसे जमीन के अंदर चलाओ। भाई ऐसे मुश्किल मुश्किल टास्क आज मिल रहे हैं ना कि क्या ही बताया जाए। चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर बोट में हम लोग चार व्हील्स लगा दें, एक इंजन लगा दें तो चल तो सकती है यार जमीन पे। एंड भाई हमें चलाना ही है ना, ठीक है यार हम लोग चला देंगे यार, कुछ भी करके हम लोग चला तो देंगे, बस यही है थोड़ा मुश्किल पड़ेगा करने में, फिर से हमें जाना पड़ेगा वही लॉस एंट्रोस कस्टम्स पे। चलो गाइस तो आ चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट बीच पे, देखें यार यहाँ कैसी बोट हमें मिलती है जो जमीन पे चल पाएगी। यार जमीन पे चलने के लिए भी यार पहिए चाहिए, अब पहिए हम लोग कहाँ से लेके आए ये भी तो सोचने वाली बात है। मतलब भाई अगर मान लो उसमें हम लोग पहिए जोड़ भी दिए तो उसके लिए इंजन भी लगाना पड़ेगा। एंड बोट यहाँ पे एक तो दिखाई दे रही है ये येलो और रेड कलर की। फ्रैंकलिन भैया इसी को लेके चलो, इसमें हम लोग पहिए लगवा देंगे। हाँ भाई पहिए लगवा के, हाँ यार हो तो सकता है काम हमारा, लेकिन इसका ओनर कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो यार इसी को लेके चलते हैं ना, इसे जरा यार देखते हैं उसके पास ले चल के कि क्या वो इसमें पहिए लगा सकता है कि ये जमीन पे चल जाए। रख लिया है भाई हमने इसे अपने कार के ऊपर, अब चलो इसे लेके चलते हैं। कोई आगे पीछे तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब भाई इसका ओनर यहाँ पे कोई है नहीं। वैसे यार अगर चार पहिए लगा दें तो हमारा काम बन सकता है, चलो लेके चलें यार, वो सारा कुछ क्लियर कर देगा जो यार लॉस एंट्रोस कस्टम्स वाला है। चलो इसे फटाफट यहाँ से ले चलें, और एक तो यार इसके भार की वजह से देख रहे हो इसका अपना पहिया कितना ज़्यादा थोड़ा सा दिखाई देने लगा है, मतलब भाई इतनी ज़्यादा भारी बोट है हम क्या ही बताएं। हालांकि देखने उखने में तो यार एकदम मस्त लग रही है, एकदम नई नई सी लग रही है, मुझे लगता है भाई अभी जल्दी आई है और पानी में उतरी भी नहीं थी, क्योंकि आपने देखा गाइस ये पानी में खड़ी भी नहीं थी, बाहर खड़ी थी, इसका मतलब भाई हो सकता है अभी तक ना ये समुद्र में गई नहीं होगी। तो चलो गाइस ये देख सकते हो लॉस एंट्रोस कस्टम्स आ चुका है, हम थोड़ा आगे निकल गए, इस बंदे को फिर से बाहर बुलाना पड़ेगा यार, और एक बार इसे भी यार कुछ काम करवाना पड़ेगा। देखते हैं भाई व्हील व्हील बस लगा दे यार, इसके पास अगर चार पहिए हो ना इसमें सेट कर दे तो बस हमारा काम हो जाने वाला है। आ जाओ सिंचन उतरो यार, बुला के लाता हूँ मैं उसे। ठीक है फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ। क्या हो गया फ्रैंकलिन, अब क्या बात है? भाई ये बोट देख रहे हो यार, इसमें ना चार पहिए तुम लगा सकते हो जो मतलब ऐसा लगा दो कि ये बोट जमीन पे चलने लगे। हाँ क्यों नहीं यार, लग सकती है, उसके लिए एक इंजन भी लगाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है भाई, जरा इसे फटाफट रेडी कर दो, तो पैसों की चिंता मत करना, मैं पैसे देने के लिए एकदम रेडी हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन चलो मैं इसे बनाता हूँ जल्दी से। तो ये देख सकते हो गाइस मस्त इसने एकदम बना दिया है, एक घंटा लगा भाई पूरा सेट करने में। यहाँ भाई चारों व्हील्स लगा दिए इसने, यहाँ भाई लोहे वोहे सब कुछ सेट कर दिए हैं। आओ सिंचन हम लोग बैठे यार इसमें, भाई कमाल का बोट इसने पूरा रेडी कर दिया है। यहाँ देखो भाई पीछे जो सीट था वो सब तो था ही पहले से, अब इसे हम लोग चला सकते हैं वो भी भाई एकदम यहाँ रोड पे। चलो सिंचन आओ बैठ जाओ यार, मैं इसे ड्राइव करता हूँ। चलो तो यार मैं चलता हूँ, और इस कार को ना तुम अपने यहाँ अंदर रख लो, मैं अभी आता हूँ यार। ठीक है फ्रैंकलिन जाओ। चलो गाइस तो निकलते हैं यार, और रोड पे हमने इसे ड्राइव कर ही लिया, अपना टास्क तो पूरा हो ही गया भाई। तो यही काम था यार कि हमें इस बोट को जमीन पे चलने लायक बनाना था, और हमने ऐसा काम कर दिया है, और ये बोट देख सकते हो मस्त जमीन पे चल रही है, इतनी अच्छी भी लग रही है यार, सही में मन तो कर रहा है कि हम लोग रख ले अपने गैराज में। हां तो फ्रैंकलिन भैया रखेंगे ही, हमने इतना मेहनत किया इस पे। हां भाई ये तो बात तुम सही कह रहे हो यार, हमने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है, हम लोग इसे ले चलते हैं अपने घर पे। चलो गाइस उस कार को तो हमने उसके रिपेयर वाले शॉप पे रख दिया है, अब भाई उसे भी बाद में जाके हम लोग ले लेंगे, फिलहाल के लिए इसे हम लोग लेके चलते हैं घर पे, और अगला टास्क देखना है भाई। अब तीसरा टास्क क्या होने वाला है, दो टास्क तो हमने कर दिया है। फ्रैंकलिन भैया कितने टास्क होंगे टोटल? भाई अक्सर तो यार तीन ही टास्क होता है, लेकिन पता नहीं यार कुछ कहा नहीं जा सकता, चल के देखते हैं यार कितने टास्क होने वाले हैं। चलो गाइस तो पहुंच चुके हम लोग अपने घर पे। वैसे सिंचन सच बताओ ना तो ये एक भाई मॉन्स्टर बोट जैसी लग रही है, जैसे मॉन्स्टर ट्रक्स वगैरह में होता है ना बड़े बड़े पहिए, वैसे ही कुछ लग रही है। तो चलो भाई अब इस पे से हम लोग उतरे, और इंजन आप लोगों ने देखा गाइस ये जो पीछे लगा हुआ है ना ये छोटा सा रेड कलर का, यही भाई इंजन है इसका, इसी में भाई सब कुछ सेट है। और हाँ यार इसे ना हम लोग रोड पे तो चला ही सकते हैं, और भाई पानी में भी चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये पीछे पंखा वाला लगा था ये अभी तक लगा हुआ है, तो ये पानी पे भी आराम से चल सकती है।
हाँ सिंचन, अब नेक्स्ट टास्क देखें यार क्या है अगला टास्क करने को। भाई बस यार ये जल्दी से ओपन हो, हम लोग भी देखें यार क्या है इसके अंदर। एंड यहाँ पे गाइस पर्चा रखा हुआ है अभी तक, चलो उठा के देखते हैं गाइस। तो ये रहा अपना नेक्स्ट टास्क जिसमें लिखा है डिस्ट्रॉय द ग्लास ब्रिज इन वन को, और ये लोकेशन बना हुआ है मतलब भाई इस पुल के आसपास शायद हमें जाना है। चलो आओ फिर सिंचन चलते हैं यार। वैसे यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ग्लास ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय करना है यार, ऐसा कैसा अजीब सा टास्क मिल रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आज भाई। आज सही में बहुत अजीबोगरीब टास्क मिले हैं। आओ सिंचन इसी वाले बोट से चलते हैं यार, इसमें मजा आया जाने में। चलो गाइस निकले हैं फटाफट, देखते हैं भाई कैसा टास्क है ये, कैसे उसे हम लोग कम्प्लीटली तोड़ सकते हैं। उस ब्रिज को मतलब ऐसा कर देना है कि कोई उस पे जा ना पाए, कुछ ऐसा शायद काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है यार कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। भाई तोड़ फोड़ करने में मजा तो आता ही है और इन सब चीज़ों में हम लोग काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। चलो गाइस तो तेजी से भगाएं उस वाले ब्रिज के पास में, इधर ही से सीधा रास्ता जाता है वहाँ का। तो बस गाइस हम लोग यहाँ से पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा दूर का ऑफ रोडिंग है एंड वहाँ भाई देखो ब्रिज अभी दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े ना तो यहाँ से दिख जाएगा। एंड ये देख सकते हो गाइस वो रहा सामने ब्रिज। अब भाई अपनी हम लोग बोट को उस पार कर लें क्या, आखिर ये पानी में तो चल ही सकती है आराम से। तो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे पार कर लिया हमने, अब यहाँ से चलना है स्ट्रेट। हालांकि यार आगे से पुल था यहाँ पे पार करने का, पर भाई हमने भी यार गलत नहीं किया ये करके। और यहाँ देखो यार लोग कैंपिंग कर रहे हैं, मुझे तो मन कर रहा है यार सिंचन हम लोग भी कभी आए यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। हाँ फ्रेंकी भैया बहुत मजा आएगा कैंपिंग करने में तो। वही ना यार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ देखो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, और ये देख सकते हो ग्लास ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है। फ्रेंकी भैया ये कब बना यहाँ पे ग्लास ब्रिज? पता नहीं भाई कब बना, हम लोग कभी आए भी नहीं घूमने के लिए, और आज देखो हम लोग तो इसे डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। भाई ये तो काफी गलत होगा यार, लेकिन ठीक है एक बार हम लोग चलते हैं इस पे। एंड यहाँ देखो थोड़ा सा क्रैक है यार सिंचन। फ्रेंकी भैया आगे मत जाना नहीं तो वहाँ से गिर जाओगे। भाई यहाँ देख सकते हो यार क्रैक हुआ है पड़ा है। एंड गाइस यहाँ पे क्या हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये टूटेगा, पता नहीं यार एक बार आगे चल के देखें क्या थोड़ा सा। एंड यहाँ पे देखा आपने भाई ये तो ग्लास तुरंत ही टूट गया। एंड यहाँ देखो भाई दोबारा से टूटा, इस पे भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये भी टूट जाएगा। यहाँ गाइस देख सकते हो ये वाला भी ब्रेक कर जाएगा, देख सकते हो गाइस। ऐसे ही ना पूरा एक बार में हमें सब कुछ तोड़ लेना है। तो ठीक है गाइस हम लोग ना क्या करते हैं पूरे पे स्टिकी बॉम्ब्स बिछा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक लगा दिया, ऐसे ही थोड़ा सा और आगे लगा देते हैं। चलो गाइस तो इधर तो पूरा लगा दिया हमने, एक इधर लास्ट में भी लगा देते हैं यार इस तरफ, जैसे यहाँ पे, और कहाँ पे लगा दें एक यहाँ लगा देते हैं, और भाई इसी तरीके से इस तरफ भी लगा दें। भाई बाकी अगर थोड़ा बहुत भी बचेगा ना तो हम लोग गाइस यहाँ पे मशीन गन चला देंगे। रंगीर भैया एक तरफ से आप मशीन गन ही क्यों नहीं चलाते हुए आते हो? भाई वो भी हम लोग कर सकते हैं यार, लेकिन उसमें रिस्क रहेगा। नीचे देख रहे हो यार कितना बड़ा सा खाई है, बताओ भाई अगर हम लोग वहाँ गिर जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा हमारे लिए। तो इस पे भी हम लोग सेट कर देते हैं यार कुछ यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब्स, जैसे तीन इस तरफ हमने लगा दिए, ऐसे ही तीन गाइस इधर भी लगा देते हैं, और तब भाई ये पूरा ग्लास ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पता नहीं यार ये कैसे कैसे अजीबोगरीब टास्क हमसे करवाया जा रहा है। यहाँ पे ऊपर भी हमने लगा दिया एक, यहाँ ऊपर चिपका देते हैं। बाकी गाइस अब हमारे पास बचा है ये गन, तो सबको यार एक साथ ब्लास्ट करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, इस पे यार कदम नहीं रखना है वरना पता चला ब्लास्ट कर गया। ठीक है गाइस तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, अब देखो गाइस कैसे हम लोग इस पूरे पुल को डिस्ट्रॉय करते हैं। 3 2 1 जिनचन यहाँ ऊपर आ जाओ यार, तुम उधर कहाँ हो? चलो गाइस तो ये यहाँ पे आ चुका है, भाई उधर मत जाओ यार अब हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ देख सकते हो गाइस पूरा पुल ये डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलमोस्ट। भाई उधर का तो हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन इधर का भी नहीं हुआ। हम लोग इधर के लिए मशीन गन चला दें क्या? हाँ फ्रेंकी भैया मशीन गन तो बेस्ट रहेगा। तो ठीक है गाइस यहाँ पे हमने मशीन गन चला दिया है, पीछे हो जा सिंचन, यहाँ पे एकदम जाने लायक रास्ता नहीं बनाना है, मतलब बचना ही नहीं चाहिए कि कहीं से कोई जा पाए। और बस इतना सा बचा है जिसे भी हम लोग तोड़ लेते हैं। सिंचन पीछे आओ यार, गिरोगे तुम नीचे। रंगीर भैया मैं थोड़ा सा नीचे चला गया था लेकिन मैं बच के आ गया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, चलो अच्छा है तुम आ गए वापस। लेकिन गाइस यहाँ पूरा हमने ब्रेक कर दिया है। अब चलो गाइस हमारा ये टास्क भी पूरा हो चुका है, सारा ग्लास ब्रिज हमने ब्रेक कर दिया। ये साइड वाला भी तोड़ लें क्या? रंगीर भैया साइड वाला तो वैसे भी टूटा हुआ है, उसका क्या ही काम है? भाई ठीक है यार फिर जाने दो यार, ये साइड वाला वैसे भी किसी काम का है नहीं। चलो गाइस तो ये काम भी हमने पूरा कर दिया और अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं एकदम मस्त तरीके से। हमारा भाई तीनों टास्क पूरा हो चुका है, बस अब और कोई टास्क ना आए। वैसे लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ था, तो गाइस आप लोग जल्दी से इस वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस लाइक सब्सक्राइब लिखा था ना तो मेरे ख्याल से अब वो लास्ट टास्क होगा, इसके बाद अब कोई टास्क नहीं होने वाला है। ये शायद पुलिस वाला इसके पीछे पड़ा हुआ है, रुको गाइस थोड़ा हम लोग इसकी मदद कर दें।
पुलिस वाले की हेल्प करना यार अच्छी बात है। चलो हम लोग ना ब्लैक वाली गाड़ी को थोड़ा सा यार रोक देते हैं या इसी के ऊपर चढ़ा देते हैं भाई, ये ऐसे ही रुक जाएगा। चलो फ्रैंकिट भैया बस करो, आप ज्यादा मदद मत करो इसकी। हाँ भाई यहाँ देखो रोक दिया हमने, आओ यार पकड़ लो इसे, मारो भाई इन दोनों को सबको। हाँ फ्रैंकिट भैया यहाँ पे देखो ये सब तो लड़ाई करने लगे भाई, चढ़ा दे क्या इन्हीं लोग के ऊपर। चलो गाइस यहाँ पे हमने इनकी मदद कर दी है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलो तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने घर पे, अब देखते हैं गाइस वो गैराज वाला डोर अपना खुला कि नहीं। यहाँ पे लगाते हैं अपनी इस बोट को, या बोट बोलेंगे या क्या बोलेंगे सिंचन, इसे तो हम लोग बोट भी नहीं बोल सकते, कार भी नहीं बोल सकते भाई, कुछ अजीबो गरीब इसका नाम रखना पड़ेगा। आओ अच्छा देखिए भाई गैराज वाला दरवाजा खुला या नहीं, आ जाओ सिंचन जल्दी से आ जाओ यार। एंड गाइस ये क्या यार, ये अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। फ्रैंकिट भैया ये ब्लैक वाला थोड़ा नीचे हो गया ना। हाँ भाई जरा देखें यार ओपन होगा क्या पास जाने पे, और गाइस ये ओपन हो रहा है। हाँ भाई यहाँ भी देख सकते हो ये खुल चुका है पूरी तरीके से, एंड अंदर बड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। फ्रैंकिट भैया चलो अंदर देखते हैं क्या है। हाँ भाई आओ चलो देखते हैं यार अंदर की तरफ, आ जाओ यार सिंचन फटाफट इसके अंदर आओ। एंड गाइस हम लोग आए हैं एक गैराज के अंदर, भाई ये कितना बड़ा गैराज है यार। वैसे गैराज का दरवाजा तो था ही वहां पे, लेकिन उससे पहले ये सब देखो। अबे भाई साहब ये कैसी कैसी कार्स है यहाँ पे। फ्रैंकिट भैया ये सब कार्स कब यहाँ पे रखाई भाई। सबसे बेस्ट तो इस ग्रीन वाली कार को देखो और एक येलो वाली कार को देखो भाई साहब, इसका येलो और ये व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन क्या ही शानदार लग रहा है। फ्रैंकिट भैया इस कार को जरा आप रोड पे निकालो तो कितना मस्त लगेगा। भाई मस्त तो लगेगा, पर हम लोग निकलेंगे कैसे भाई, ये तो पानी में निकलेगा सीधे रास्ता। हाँ फ्रैंकिट भैया वो तो है, लेकिन चलो एक बार बैठो इसमें, हो सकता है बाहर हम लोग निकल जाएं अपने आप। अच्छा आओ भाई जरा इस पे बैठे। वैसे गाइस आप लोग बताओ इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है, मुझे तो भाई येलो वाली इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके बाद गाइस वहाँ पे वो जो ग्रीन वाली है ना ये इतनी अच्छी लग रही है। भाई एक बार इसे बाहर निकालें क्या हम लोग। यार देखो येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन सच में एकदम कमाल का लग रहा है। एंड यहाँ दो दो गैराज का डोर है भाई, हम लोग आए तो इधर वाले से, लेकिन ये दूसरा वाला कहाँ निकलता है। फ्रैंकिट भैया मुझे लगता है ये दूसरे वाले से ही हम लोग बाहर निकलेंगे। हाँ भाई वो पानी में जा रहा था रास्ता, ये वाला हो सकता है बाहर निकले। चलो एक बार स्पीड में यहाँ से निकले बाहर। एंड गाइस ये हम लोग कहाँ पे निकल के आए यार। फ्रैंकिट भैया ये कैसी जगह है, हम लोग इस बिल्डिंग में कैसे निकले। भाई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, इतना अजीब क्यों हो रहा है हम लोग के साथ। चलो गाइस हमें क्या है यार, हमने टास्क पूरा किया, हमें कमाल कमाल की कार्स मिल गई, और क्या ही चाहिए। स्पीड देख रहे हो सिंचन इस कार की कितनी ज्यादा है। हाँ फ्रैंकिट भैया ये तो उस टैंक से भी बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल भाई, तो चलो गाइस अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल भाई अब मिलते हैं हम लोग एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय।